है कौन? आजकल की हर लड़की ना आलिया जैसी है, और ये उनकी कहानी है जो काम भी करेगी, जिसका फोकस जरूरी नहीं है हर वक्त शादी पर है, और जो जिंदगी में कुछ और भी करना चाहती है। यस शी लव्स समवन, वो भी उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है और उसको बटरफ्लाइज देता है, उसको वो भी पसंद है। मेरे हिसाब से सज्जल एक ऐसी एक्टर है जिसको डायलॉग्स की ऑनेस्टली जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जिस जगह मैंने सुना है आप रमजान प्ले लिखने वाले। चलते हैं अब ये खत्म करें। बट दैट्स सच अ गुड न्यूज़। सलमान का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ड्रामा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द बेस्ट ड्रामा, बाकी सारे ड्रामे ऐसे ही बनने चाहिए। याद आ गया मेरे कंटेंट हेड के। नो नो, इट्स नॉट दैट, मैं बिलीव करता हूँ इस पे। लेकिन सज्जल को ये बात पसंद नहीं है जब आप ये कहें कि सज्जल तो बस सज्जल है। वो कहती है कि डिटेल में बताएं मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ। आई रिमेम्बर यू सेइंग, अगर ये उस घर में गई और उसने अपनी हुस्न सलूक से सबको माफ कर दिया, तो मैं सामिया को कभी माफ नहीं तो मैं सोच रहा होता था कि राबिया वेट कर लो, आगे देख लो। Hey guys, assalamualaikum, this is Rabia and you're watching me on Pusha magazine. जब भी कोई पूछता है कि आजकल कौन सा ड्रामा देखें, कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा जा रहा है, सो आपको रिकमेंड करना होता है और आप हमेशा स्ट्रेस में होते हैं कि अच्छा ये नाम बता दें। साथ ही आप एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, रियलिटी से थोड़ा सा दूर होगा बट फिर भी मज़ा आ जाएगा, जस्ट गो विद लो एक्सपेक्टेशंस। बट रिसेंटली एक ऐसा ड्रामा है जिसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस से रेकमेंड करती हूँ, और वो है कुछ अनकहीं। कुछ अनकहीं ना सिर्फ ये कि बहुत से ज़बरदस्त मैसेजेस दे रहा है, लेकिन वो हमें हंसाता भी है, हमें कभी कभी हमारी आँखों को नम भी कर देता है। तो जब से ड्रामा शुरू है, उस दिन से मुझे था कि मैं बैठूँ डायरेक्टर और राइटर के साथ और एक डिटेल डिस्कशन करूँ अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉट वॉज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दिस ग्रेट ड्रामा। तो आज मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है। जब तक ये इंटरव्यू जाएगा, लास्ट एपिसोड एयर हो चुकी होगी, सो कुछ बातें शायद अकॉर्डिंग टू द लास्ट एपिसोड नहीं हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा उसको इंक्लूड कर सकें उसके मुताबिक डिस्कशन करें। तो मिलते हैं नदीम बेग एंड मोहम्मद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खामोशी इतनी खामोशी आप दोनों की तरफ से। नहीं, मैं सुन रहा था आपको। सुन रहे थे? हाँ। तो आपको कुछ कमेंट? नहीं, आपके आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपको सुनने को दिल करता है, तो इसलिए मैं चुप रह गया। अच्छा स्टार्ट हुआ है, तो शुक्रिया बहुत बहुत। बट कैसा लग रहा है इतनी माशाल्लाह से कामयाबी और एक्नॉलेजमेंट, और इतनी लोग अप्रिशिएट करें, और जो मैसेजेस आप लोग देना चाह रहे थे, जितना मुझे समझ आया है, जितना मैं देख रही हूँ, वो काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो कैसा फील होता है आपको? आपसे अगर मैं स्टार्ट करूँ। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैसेजेस जितने भी दिए, मुझे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि जो मुझसे कहा गया था कि ये वाले मैसेजेस देने हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम के तमाम मैंने दे दिए। ओके। बगैर किसी लेक्चर के, बगैर किसी लेक्चर के। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैसेजेस जो ऐसे ना लगे कि आपको दवाई पिला रहे हैं सुबह दोपहर शाम। आप इतनी सही बात करें, बहुत से ड्रामे आते हैं उसमें बड़े अच्छे मैसेजेस होते हैं, लेकिन लगता है कोई नसीहत कर रहा है, लगता है बहुत लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे की सबसे मज़े की बात यह है कि आप हंसते हंसते कितनी बातें कम्युनिकेट कर जाते हैं, हंसते हंसते कितने मैसेजेस या थॉट्स दे जाते हैं कि यार ये भी होता है। जैसे इनहेरिटेंस का ही ले लें, उसको बड़े आप लोगों ने फ़नी तरीके से मज़ाक में भी उसको दिया है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके आप लोगों ने रेज़ किए हैं। मैं कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग इनहेरिटेंस वाला, उसमें अक्सर लोग, मैं कहीं पढ़ रहा होता रिव्यू या कुछ, प्रॉब्ली वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू द ऑडियंस, शायद इसकी वजह से उनको समझ नहीं आया। तो द मनी दैट शी गॉट इज नॉट एक्चुअली द लोन दैट शी टुक फ्रॉम हिम, इज एक्चुअली शी अर्नड द 2% ऑफ दैट हाउसिंग प्रोजेक्ट दैट शी वॉज डूइंग विद सहरिश एंड असफर, जिसकी वजह से उसने उन दोनों को इकट्ठे किया और उसमें से उसको जो कमीशन मिला, उस कमीशन से उसने वो पैसे अदा किए। सो ये फिर एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट था ना, तो सब नहीं शायद इसी वजह से। मैंने कहीं किसी को कहते सुना कि वो, मुझे सबसे अच्छी बात इस स्क्रिप्ट में ये लगती है कि कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, और आप, यू आर थिंकिंग ऑफ अस एज इंटेलिजेंट ऑडियंस and you're not trying to take any advantage of that, कि आप किसी को फूल करें या किसी को इमोशन के अंदर एक ऐसा इमोशन दिखा दें जिसके बारे में आप कह रहे हो एंड में कि यू नो ड्रामेटिक लाइसेंस। वी डिडंट टेक, अहमद डजंट टेक
ड्रामेटिक लाइसेंस दैट वे. ड्रामेटिक सिचुएशन ज़रूर लिखते हैं लेकिन ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझते. और यही बहुत सारी चीज़ों के अलावा ये भी एक बहुत खूबसूरती थी स्क्रिप्ट की. व्हेन यू से सक्सेस तो मेरे लिए सक्सेस ये होती है कि जिस ऑडियंस के लिए आपने जो ड्रामा बनाया है वो अगर उन तक पहुंचा और उसकी बारीकी तक उनको समझ आई तो आई थिंक दिस इज़ सक्सेस. जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट ऑडियंस है बिल्कुल और आप ऑडियंस को इंटेलिजेंट समझ के ये कर रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड टू हेयर दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन शायद मैं उस ऑडियंस में थी जिसने ये बात कैच नहीं की. लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो मैं सोचूं कि हाँ आप सही कह रहे हैं. उसने एक दो जगह पे कहा कि 2% ऑफ ये आएगा, तो वो एक स्टेटमेंट जो दी गई थी वो एक वजह से दी गई है कि हम बीइंग जो हम कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट ऑडियंस तो हम कनेक्ट करें. लेकिन उसके साथ साथ मेरे जहन में अब आपसे बात करते हुए ये सवाल आ रहा है कि आई वुड थिंक मैं फिर भी इंटेलिजेंट हूँ अगर मैंने बात नहीं कैच किया. लेकिन तो फिर क्या हम, लेकिन वो अहमद का क्या, सॉरी टू कट यू, अहमद बहुत स्पून फीड नहीं करते. जो कभी कभी कोई चीज़ कहीं किसी एपिसोड में चली होती है उसको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपना चम्मच बड़ा कर ले. आलिया ने उसमें बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि मैंने ये पैसे कमाए हैं जो सेकंड लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन था. और अगर तुम्हें बताया नहीं तो क्या मैं गलत हो गई? हाँ लेकिन के कमाने के उसमें ये भी ले सकते हैं ना कि आई एम सच अ गुड एम्प्लॉय कि उसने मेरा लोन सेक्शन सैंक्शन कर दिया. लोन का तो कहीं लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं. और दूसरा ये कि लोग चूंकि वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड है फॉर व्हाटएवर हिज सर्कमस्टेंसेस आर एंड वो एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये बात आ ही नहीं रही कि वो उसने अर्न किए हैं. लोगों को लगता है कि वो उस पर एहसान कर रहा है, उसको खरीदना क्योंकि हम आदी हैं, हमेशा ऐसा होता है. हालांकि उसको एड्रेस किया 2-3 दफ़ा सलमान से कि क्योंकि उसने घर के पैसे अदा कर दिए हैं तो वो उसको भी यही लग रहा था. प्रॉब्ली ही इज आल्सो वुड यू थिंक इन नेक्स्ट टाइम व्हाइल आई डोंट वांट कि आप स्पून फीड करें, आई रियली डोंट वांट कि आप लोग समझें कि ऑडियंस इंटेलिजेंट नहीं है तो हम एक बिल्कुल बेसिक सी लाइन बोले और हर जुमले को हम कहें. लेकिन क्या इसको देख के मुझ जैसे सेमी इंटेलिजेंट लोग जो हैं उनके लिए मे बी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्लियर और चीज़ें होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम जस्ट. एंड ये अब वो नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि मैं तो एक काइंड ऑफ डिस्कशन ही कर रही हूँ. क्योंकि आप जहाँ कह रहे हैं मैं अपने आप को भी एज एन ऑडियंस कह रही हूँ कि ओके आई नी अगर मैं कह रही हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे भी प्रूव करना है. आई शुड ऑल्सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन वट इज़ बींग सेड अंडर द लाइन्स यू नो एंड नॉट जस्ट टेक इट ऑन द फेस ऑफ इट इफ़ आई वॉन्ट बेटर कॉन्टेंट यू नो. लेकिन मैं उसके साथ आप लोगों से भी ऐसी नहीं, ये बात नदीम ने मुझसे हमेशा कही है. नदीम ये बात कहते हैं कि अहमद कहीं ना कहीं थोड़े उसके बाद रिपीट कर दिया करें ताकि अगर किसी ने देखी नहीं है तो उनको ये बात याद आ जाए. रिपीट से ज़्यादा मुझे लगा लिंक शायद मेरे लिए मिसिंग था. बट अगेन लिंक नहीं, ये बात कहीं कहनी चाहिए थी बहुत वाजे लफ्ज़ों में शायद कि ये मुझे कमीशन मिला है. लेकिन मेरे पास उस वक्त ऐसे कि एक्ट्रेस स्टेज के अंदर वो ये बात करती हुई अजीब लगती, ऐसा लगता कि वो बात बता रही है. तो उसके तो जहन में भी शायद ये बात नहीं है कि ये इतनी अहम हो जाएगी कि मैं सही बात मगर है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी ड्रामे और ड्रामे से बाहर भी जी. मगर ये कि मेरे लिए एक आध जगह उसने कमीशन का जिक्र किया भी है. दूसरे ये कि जब उसने बिलाल से ये बात की कि ये पैसे मैंने कमाए हैं तो इसके लिए बताना ज़रूरी नहीं था, तो मैं समझा कि शायद हाँ ये मेरी गलती है. मुझे उसको नहीं, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है. एंड एज आई सेड प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. मैं एक ऐसी डिस्कशन कर रही थी बिकॉज आई थिंक मैं एज एन ऑडियंस सोच रही हूँ कि मुझसे भी कोताही हुई नहीं, है कि मुझे भी सोचना चाहिए था कि अगर ये एक कुछ नाम है जिनको हम जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है हमेशा माशाल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन. राबिया अगर आप देखिए ना तो मुझे चूँकि शुरू में ही ये बात तो पता थी कि एक लड़की जो काम कर रही है उस तो हमें ऐसा कोई प्रोफेशन उसके लिए बनाना था जिसमें अचानक वो बहुत सारा पैसा कमा सके जी. अब हमने बहुत सोचा था कि क्या ऐसा काम हो सकता है जिसमें अचानक उसको इतना सारा पैसा मिल जाए. सही बात है. तो मेरे जहन में ये बात आई थी और मुझे लगा कि ये ज़रा मुख्तलिफ काम भी हो जाएगा और इसमें यकमुश्त वो इतने पैसे कमा पाएगी कि उसका वो हो जाए. तो इसलिए हमने उसको प्रॉपर एक बिजनेस में. नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग कि जब जैसे ही उन्होंने बोला मैंने कहा ओह यस क्योंकि वो ये है उसको घर के कमीशन सेल पे इतना कमीशन मिलेगा सो इट मेक्स लॉजिकल सेंस. लेकिन जब ऑडियंस को आप भी एक ऑडियंस हैं, जब एक ऑडियंस को कहीं कोई बात मुश्किल से समझ आ रही है ना
तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमारे लिए एक लर्निंग होती है कि हमें कुछ उसको ऐसे करना चाहिए था. और जब कोई ड्रामा बन यू नो व्हेन ही राइट्स और यू नो व्हेन आई मेक एनी ड्रामा, तो उसकी सक्सेस के बाद ऐसा नहीं होता कि आई एम जस्ट थिंकिंग टू डिफेंड यू नो टू डिफेंड एवरीथिंग अबाउट द ड्रामा. नो आई डोंट वांट टू, बिकॉज वो जिस तरह की जर्नी आप ऑडियंस के लिए होती है वो उतनी उस तरह की जर्नी हमारे लिए भी होती है. और आई ऑल्सो लर्न अ लॉट अबाउट द ऑडियंस वाइल वॉचिंग इट विद देम. मेरे लिए तो इस वक्त एक सेशन जो है ना वो एक लर्निंग का प्रोसेस है. मैं तो इस वक्त मेरा इरादा भी ये था कि आज मैं बैठ के सीखूंगी और अभी मैं सीख ही रही हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी टू हेयर दैट बिकॉज मैं पहले भी फ़ैन थी, अब तो ये बातें सुन के मैं और भी ज़्यादा फ़ैन हो गई. एंड आई एम थिंकिंग कैसे मिस कर दिया मैंने ये, मुझे एक्चुअली अपने ऊपर वो हो रहा है कि राविया हाउ कुड यू मिस इट, इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यू डोंट मिस इट राविया, बहुत मुश्किल है तुमसे कोई चीज मिस हो जाना. तो देखिए ना, कोताही हो गई ना मुझसे. नहीं हुई, बट नहीं वो कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं हुई. और यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर यू नो देयर आर मेनी पीपल, देयर आर फ्यू हु कुड गेट इट एंड बट देयर आर मेनी हु स्टिल वर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम. और उसने कितने लोगों को पैसे दिए, उसने सिर्फ दो लोगों को पैसे दिए, एक उसने फूफो को दिए और एक सोहेल जो बाहर वाले चाचा हैं उनको पैसे दिए, क्योंकि इनको तो वो पैसे दे चुके थे जो कि शकील के अब्बा हैं. और उनका वो लेटर भी आ गया था, उन्होंने वो भेज दिया. लेकिन हम सबकी लर्निंग होती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे, अब मतलब मैं अहमद को नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए थी जिनमें मैं उसको ज़्यादा एलैबोरेट कर देता कि आसान हो जाता ऑडियंस के लिए. बट आई थिंक अपनी तरफ से आपने किया, ये कुछ हमारी तरफ से भी चूक हुई है, ऑडियंसेस की तरफ से भी. एंड एज यू सेड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. हम भी अब आपका प्रोजेक्ट और भी ज्यादा गौर से देखेंगे. ये इतना स्पून फीड नहीं होंगे हम लोग. लेकिन ये तो मुश्किल ड्रामा लिखते हैं, इनकी बातों को समझना जरा सा बहुत देर में समझ में आती है कि कहां किस तरफ लेके जा रहे हैं. लर्निंग प्रोसेस है, हम सीख रहे हैं. मैं वही तो कह रही हूं. एंड इट इज सो गुड बिकॉज अच्छा जब सामिया का ट्रैक, लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट सलमान. क्या कैरेक्टर लिखा है आपने और क्या डायरेक्ट किया है माशाल्लाह से. इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ सॉफ्ट पॉजिटिव कैरेक्टर जो खाना भी बना रहा है अपनी माँ के साथ. एंड आई लव द वे वो जब कहते हैं ना अलमास, एक तो बिलाल अब्बास ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. इट वाज सो गुड, यू नो एवरी टाइम ही सेज दैट एक स्माइल आ जाती है. और वो इतना खूबसूरत बॉन्ड है दोनों के माँ बेटे. ये अहमद सरप्राइज्ड मी व्हेन ही रोट दिस सीन एंड आई लव्ड when I saw this line on the paper. तो मैंने अहमद को कहा, अहमद ये बहुत मज़े का है. तो उसके बाद अहमद ने एक आध दफ़ा उसको कंटिन्यू भी किया, एक दो जगह और भी डाला. जैसे पिछले सेकेंड लास्ट एपिसोड में वो सीन था जिसमें वो कहता है अलमास, वो कहती है हाँ मुझे पता है मैं बहुत प्यार हूँ, अब क्या करूँ. तो ये डायरेक्शन या ये जो आइडिया था आप लोगों का अपना था, मोहम्मद साहब आपका अपना था या कश फाउंडेशन की तरफ से आया था कि हमें एक सॉफ्ट इमेज का रोल मॉडल, मेल रोल मॉडल दिखाना है अपने. ये हमारा था, आपका ये हमारा था. उन्होंने हमें एक लाइन तो दी थी कि हमें इस तरह से मैसेजेस के बारे में, मोस्टली ये इन चीज़ों के बारे में बात करिए. कैरेक्टर्स तो हमने खुद बनाए थे सारे. So what was the motivation ke Salman itna different hai from the average man that we see around us? You actually know? No. Nahi, aapko nahi lagta. He is very very relatable character. Yeah. Lekin uske andar kuch khamiyan bhi hain. Nobody is perfect. Bilkul. Aur ye sabse achhi baat hai. Isme aga se le le jo inki begam hai Shammo. Ji. Sabse galtiyan hui hain zindagi mein. Aur sabse hum sabse galtiyan hoti hain life mein. Un galtiyon ko अंडरस्टैंड करना और उनसे सीख के आगे कुछ ऐसे फैसले करना जो आप रिपीट ना कर रहे हैं वो गलतियाँ, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है लाइफ. राबिया सबसे जो मुख्तलिफ चीज़ मैंने इस सीरियल में की थी उसके बारे में ज़रूरी है बात करना, वो ये कि ये मेरे एतबार से पहला सीरियल कह लीजिए जिसमें कैरेक्टर्स ब्लैक एंड वाइट नहीं है. हर कैरेक्टर में कोई ना कोई फ्लॉ है, हर कैरेक्टर में कोई ना कोई अच्छाई है. तो ऐसा लिखना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जब भी हम हीरोइन या हीरो के बारे में सोचते हैं तो वो बस दो ही रंग होते हैं उनके, वो ब्लैक होंगे या वाइट होंगे, और विलन तो बिल्कुल ब्लैक होगा. हमारे हर कैरेक्टर में कोई ना कोई फ्लॉ है, कोई ना कोई अच्छाई है, मिक्सचर है. और ये बात मुझे इंडिया से किसी ने बहुत वाज़े तौर पर बात समझाई, क्या कि पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से कह ही नहीं रहे कि आई लव यू हो ही नहीं रहा, मगर जब वो स्क्रीन पर आते हैं हमें लगता है कि दोनों शदीद मोहब्बत में मुब्तला हैं. ट्रू. और हम तरसते हैं कि ये बात कहें.
तो आप जानबूझ के तरसा रहे हैं और वो तो नदीम से मैंने सीखा कि तरसा आखिर वक्त तक कैसे तरसाते हैं या अल्लाह सारी ऐसी बातें मेरे पे डाल दें। नदीम से मैंने बहुत ज्यादा सीखा ऑनेस्टली। इससे पहले जितना भी लिखा वो हमेशा लगता भी ऐसे ही है कि पहले जो लिखा था वो इतना अच्छा नहीं था। और नदीम के साथ ये होता है जितनी दफ़ा भी काम करता हूँ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ बहुत। और मैंने इस दफ़ा बहुत सीखा, मुझे जो चीज़ें पहले समझ में नहीं आती थी जैसे आर्क नहीं समझ में आता था स्टोरी का, बहुत मुश्किल काम है। नदीम ने ये सिखाया कि हर एपिसोड एक छोटा सा वो होता है जिसके अंदर आपको कहानी को कैसे ग्रिप में रखना है, कैसे आपने किन चीज़ों को आपने ज़्यादा वो करना है, किस कौन से ट्रैक में आपके जो सबसे पहले नदीम ने मुझे ये बात कही थी कि साम्या और उसका कैरेक्टर जो है क्या नाम है उसके मियाँ का, सैफुर्रहमान, सैफुर्रहमान, इन दोनों का ट्रैक आप देखिएगा सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। और ये ही हुआ जब उस वक्त मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि नदीम क्यों कह रहे, बिकॉज ये तो मुझे लगता है सारे सीरियल्स ही आजकल ऐसे हैं, मगर नदीम ने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा देखिएगा। अच्छा, गोइंग बैक टू आपने जो बात, डोंट गिव मी एनी क्रेडिट अहमद, यू रोट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, यू नदीम, अच्छा कौन लिखता है ऐसे, ये इसके बारे में हम बाद में लड़ेंगे। लड़ नहीं रहे, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं, मैं बता देती हूं आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, यू बोथ वर ग्रेट इन दिस। ये जो जोड़ी है मुझे लगता है ये बड़ी जबरदस्त है एंड आई रियली वांट टू सी मोर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू, यू नो कि आपने लिखा हो आपने डायरेक्ट किया। हां अगर नदीम, अब मेरी आदत खराब हो गई है ना विद यू नो वर्किंग विद खलील साहब या मोहम्मद अहमद या फायजा इफ्तिखार, कि अब बहुत कम कुछ और किसी का समझ आता है। तो ही स्पॉइल्ड मी एक्चुअली, क्या तो खूबसूरत रोमांस लिखते हैं, ऑफ इतना रोमांस अभी मैं समझता हूँ खलील और रहमान का, मैं समझता हूँ वैसा कोई नहीं लिख सकता, बहुत खूबसूरत। नहीं उनका एक अपना अंदाज है, वो भी अच्छा, उनका अंदाज भी यही है कि वो भी बात कहलवाएंगे नहीं डायरेक्टली, कोई किसी को आई लव यू नहीं कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोहब्बत प्यारे अफजल was the love was there till the end, yeah. But in the last episode, yeah. She confesses, true. And while he's dying. तो आप जो बात कह रहे थे कि हर character black and white नहीं है grey है, ये इतनी सही बात है। और I think ये पहला drama है जिसमें as such कोई villain नहीं है, you know usually वो उनके अपने हालात उनकी अपनी personalities ही उनके against काम कर रही होती या उनको challenges दे रही होती हैं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि कोई जैसे हीरो हीरोइन हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा हीरो परफेक्ट होगा हमारी हीरोइन परफेक्ट होगी, तो आप लोगों को ये कंसर्न था कि क्या ऑडियंसेस एक्सेप्ट कर सकेंगे ग्रे कैरेक्टर्स को? देर से एक्सेप्ट करते हैं लोग, देर से एक्सेप्ट किया उन्होंने, लेकिन इवेंचुअली करते हैं, क्योंकि हमने जो ड्रामा किया ये वो उसी तरह का ड्रामा पाकिस्तान बनाता था, और ये वो ड्रामा है जिसके ऊपर हम बहुत प्राइड लेते थे, और उसी तरह के ड्रामे के लिए ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू राइट समथिंग लाइक दैट, जिसकी जो कि एक ट्रिब्यूट टू हसीना मोइन भी है जो शुरू में लिखा हुआ भी आता है। सो आई थिंक लोगों को थोड़ी देर में यूज टू होते हैं, पहले लोग रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि देर मैनी आजकल तो बहुत लोग रिव्यू कर रहे होते हैं ड्रामे को, सो मैंने देखा कि लोग इतना यूज टू हैं रिव्यू करने वाले, वो जब हमारे ड्रामे को अच्छा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई स्वेयर कोई क्रिटिसाइज़ करे कोई दुनिया में सब काम आप तारीफ़ के लिए करते हैं और आपको अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनना, लेकिन मुझे क्रिटिसिज्म सुनना भी बुरा नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि उसमें भी कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। लेकिन देर वॉज़ अ शो जिसके अंदर यू नो वन ऑफ आर फ्रेंड वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर एंड what she was missing in our drama was actually what this drama was not about. Okay. Yani this drama was against, not against, was something jo ki jaise Ahmed ne kaha grey characters, every character has a good side and a bad side, but uske andar wo sab kuch dekhna cha rahi thi jo ke shayad baki ke sab dramo mein hota hai. सो इसको मैं कहता हूँ कि व्हेन यू डू समथिंग प्रोग्रेसिव पब्लिक को ज़्यादा अर्ली एक्सेप्ट कर लेती है प्रोग्रेसिव, मैं समझता हूँ हमारी पब्लिक जो है वो बहुत बहुत समझदार है, मैंने कभी ज़िंदगी में पब्लिक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बारीक से बारीक गलती और बारीक से बारीक अच्छी चीज़ जो आपने की होगी आई वुड हियर समवन टॉकिंग अबाउट इट, ओके, बट
यू नो आप इसमें भी अगर वही देखना चाह रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं. Although I'm not against, मैं जब कहता हूँ कि कुछ अनकही में वो नहीं है जो बाकी में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी ड्रामों की कोई बुराई कर रहा हूँ. मैं वो ड्रामे बनाता हूँ और मुझे वो ड्रामे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन हर तरह का ड्रामा होना चाहिए ना, एक तरह का ड्रामा नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द ओनली फाइट. जब आप कह रहे हैं कि हर किस्म का ड्रामा होना चाहिए, तो वेल इट मेक सेंस कि हाँ भाई हर किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं तो हर जॉनरा का एक ड्रामा होना चाहिए. लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ ये भी होता है कि जब हम इतना ओपनली छोड़ रहे हैं तो हम कैसे क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, किस तरह वी विल मेक श्योर कि कॉन्टेंट रिस्पॉन्सिबल और एक क्वालिटी के मिनिमम लेवल को भी मीट कर रहा हो. रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट एक बहुत बड़ी बहस है जी. हमारा कॉन्टेंट जो हम टी वी पर देखते हैं वो रेटिंग ड्रिवन है, और एग्जैक्टली वी ऑल नो किस किस जगह पे कितने मीटर्स होते हैं और कौन सा ड्रामा है. इसको कोई इतना मुश्किल नहीं है एवेल्यूएट करना कि किस ड्रामे में किस जगह के ऊपर कौन से कैरेक्टर की कौन सी हरकत के ऊपर लोग रेटिंग आती है ड्रामे की. सो वो समझ ली. अब समझने के बाद आप उसके ऊपर पक्के हो गए कि अब कहानियाँ तो यही देखनी है और यही चलेंगी. अच्छा, कहानियों को बहुत मुख्तलिफ होना ज़रूरी नहीं है, किरदारों का मुख्तलिफ होना बहुत ज़रूरी है. उनकी दिमाग का मुख्तलिफ होना बहुत ज़रूरी है. वो सब एक जैसे क्यों होंगे? सब बहुएँ वैसी ही क्यों देख रहे हैं हम? या सासें, मुझे सास बहू के ड्रामे पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सास और बहू की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर भी तो किया जा सकता है. और उसके अंदर कहानी नहीं है, कहानी अराउंड भी हो सकती है. सो एक्सप्लोर करने से डरते हैं जो जिस पे कभी कभी मुझे लगता है कि आप उस पेस से ग्रो नहीं कर सके ड्रामे में, कहानियों में, जिस पेस से हमें ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे. नहीं, हम डरते हैं. हम डरते हैं या हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते. वी वांट टू बी सेफ. नहीं, इट्स वेरी इजी नॉट टू टेक रिस्क. क्योंकि पैसे नहीं आएंगे या टीआरपीज नहीं आएंगी तो ये नहीं होगा, तो हम वो कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें. इसी बात से ऑफ कोर्स व्यूज, नंबर्स, ट्रेंड करना ट्विटर पर ये इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट मेक्स यू फील गुड जब ये होता है. तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं टू नो कि नहीं, हम एक वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो शायद इन सब चीज़ों को नहीं मीट कर सके? व्हाट मेक्स यू गो ऑन एंड हाउ कैन यू बी सो यू नो इंडिपेंडेंट ऑफ इट? व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू? लेकिन जब इसका किसी भी एपिसोड का रिस्पॉन्स आ रहा होता है सोशल मीडिया पे किसी चीज़ पे, मुझे लगता है कि आई डोंट टेक दोज थिंग्स टू सीरियसली. प्रोबेबली आई शुड बी सेइंग दैट. मैं एक्चुअली बहुत सीरियस मैं देखता जरूर हूँ, लेकिन मैं बहुत सीरियस मुझे लगता है कि कमेंट्स जो लोगों के लिखे होते हैं ना उसके नीचे कहीं वो थोड़े मैटर करते हैं, क्योंकि लोगों का आपको पता चल रहा होता है. मैं पढ़ता हूँ कि अच्छा हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू, किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एट सम पॉइंट उनको लगा कि आलिया को बिल्कुल गिव इन कर देना चाहिए था. वो कह रहा है लड़का कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्यों नहीं कह रही कि तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? अरे भाई, उसकी मर्जी, वो नहीं कहना चाहती. उसको इसलिए कहना चाहिए क्योंकि बस एक लड़के ने कह दिया तो अब तुम भी कह दो. ये ज़रूरी नहीं होता. सो उसको वक्त देना चाहिए. और लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये वाली कॉन्वर्सेशन, जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और कुछ लोग डिफेंड कर रहे होते हैं. कुछ सोचने की बात राबिया ये भी है ना कि देखें, लड़की चाहती है अगर फर्ज करें, उसके लिए तो बड़ा आसान था, वो छत पर नहीं जाती. क्यों बार बार छत पर जाती है? क्यों बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है? बार बार इस बात का उन्हें यकीन है कि वो उससे मोहब्बत करती है. उनको इस बात का गुस्सा है कि वो पूछ क्यों रहा है बार बार, समझ क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं कह रही कि आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी, आई एक्सेप्टिंग यू हूएवर यू आर. व्हाई कांट शी ट्रेन हिम? व्हाई कांट शी टेल हिम द थिंग्स दैट शी डजंट लाइक, द थिंग्स शी वांट्स to see him improving about himself. आपके पास जब सज्जल है, मेरे हिसाब से सज्जल एक ऐसी एक्टर है जिसको डायलॉग्स की ऑनेस्टली जरूरत नहीं है. वो एक जगह ऐसा नहीं है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ जिस जगह की जरूरत है. कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप वो सीन देखें जिसके अंदर वो मुड़के उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू भी हैं और मुस्कुरा भी रही है साथ, उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश थी नहीं, नहीं उसके बाद जो उसे कहते हैं ना थैंक यू फॉर द कॉफी, यस, लेकिन वो बहुत अच्छी लाइन थी. ये तो बहुत जबरदस्त लाइन थी. ये तो ना वो लाइन तो जरूरी थी. उसमें वो बड़ा आसान था, वो
समझ जाता या ये कि ये कह भी सकती थी? नहीं, उसको समझ आई, आ गई है ना, उसको आई, इस पब्लिक को भी आई बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, लेकिन ठीक है, लोग नहीं चाहते, मगर अच्छी बहस है, मजा आता है, कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा, बहुत ज्यादा रिएक्शन YouTube पे मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, उससे पहले मुझे पता ही नहीं होता था उसके नीचे बड़े मजे के कमेंट्स होते हैं। हाँ, बहुत मजे के। जैसे आज किसी ने बहुत ही शेरयार मुनव्वर के कैरेक्टर के बारे में, है क्या उसके अंदर भाई, हम एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा है इसलिए वो उसको हाँ कर दे, ये पोजेसिवनेस अबाउट सलमान है, द सलमान टीम एंड अस्पर टीम। आप लोग ये सोचे कि आप लोगों ने ऑडियंस को डिवाइड किया हुआ है, बट बोथ बॉयज हैव डन, द होल कास्ट हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब। एक्चुअली मेरा काम तो बहुत आसान हो जाता है जब इतने अच्छे एक्टर्स। आप कुछ बता रहे थे मुझे सलमान के कैरेक्टर के बारे में, कि जब ये, अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि सारे कैरेक्टर्स अगर आप एज अ राइटर भी अगर आप लिखते हैं जब, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा हुआ होता है तो आपके बाहर आता है। सलमान का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। कौन है वो? वो एक साहब है जिनको, नहीं मैं नहीं मगर ये कि वो नहीं, अच्छा। बिल्कुल ऐसे जो मैंने लिखा है वो 100% वही लिखा है जो मैंने देखा है। कुछ साहब हैं जो ऐसे ही हैं बिल्कुल। बल्कि वो तो इस हद तक भी थे कि जब शादी होने लगी उनकी, उस लड़के ने, उसके लड़के की वालिदा ने भी यही कहा कि चूंकि लड़की ब्याह के हमारे घर आएगी तो लड़की को आना चाहिए हमारे घर देखने के लिए, क्योंकि उसे यहाँ रहना है, उसको ही घर अच्छा लगेगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। जबरदस्त जी। एक सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये भी मालूम है कि जब लड़की वाले उनके घर गए तो लड़का उसी तरह ट्रॉली लेकर आया था खाने की। सीरियसली? जिस तरह लड़की लेकर आती है बिल्कुल, उस तरह लड़की बैठी हुई थी और उस लड़के ने आके सर्व किया था और उसने अपना तारुफ कराया था और सामने सलमान ने तो ये ना कि, मगर ये सब हुआ है। आप सोच रहे हैं ये मैंने क्यों नहीं करवाया, ये मुझे पता क्यों नहीं चला? नहीं, मुझे लगता है कि ये बात बहुत क्यूट है जो अहमद बता रहे हैं और इसको हम शायद कभी करेंगे किसी ड्रामे में, लेकिन सलमान जो है वो जबरदस्ती कोई चीज नहीं करता, नहीं करता वो हर चीज, बिकॉज ही इज यूज्ड टू ऑफ वर्किंग विद अ मदर, क्योंकि एक माँ है घर में और एक बेटा है और वो घर में सारा काम खुद करती होंगी, तो वो हेल्प करवाता है उनकी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो माँ के साथ जो उसकी, मेरा एक्चुअली द फेवरेट रिलेशनशिप इन दिस ड्रामा इज एनी ज़ैदी एंड सलमान्स रिलेशनशिप। आई थिंक इट्स सो फ्रेश, इट्स सो न्यू, जिसमें द मदर इज मोर प्रोग्रेसिव देन द सन, जिसको वो, क्योंकि होना ऐसा ही चाहिए, माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं, सो अगर बच्चे कभी कुछ गलत सोचें, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं बहुत से इन्फ्लुएंसेस लेकर आते हैं, सो वो तसीह तो घर में होगी ना, सो अगर आप उसको गलत नहीं समझेंगे तो फिर कौन बताएगा? आप इतनी सही बात करें, उतना मजे की बात है कि वो लड़के की माँ है लेकिन उसको सीधा कर देती है। हाँ, फौरन उसको ना शीशा कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो। हाँ, और तुम ऐसी बिल्कुल दोस्तों की तरह फौरन मुंह पे कह देती है और ये बात नहीं करना मुझसे, उठ के चली जाती है। तो एक तो वो बहुत ही मजे का, एक तो ये बड़ा रिफ्रेशिंग है, लेकिन जो आप ये ट्रॉली वाली बात जब कर भी रहे थे तो मैं सोच रही थी ये अगर हम दिखा दें तो क्या एज ऑडियंस हम इसको एक्सेप्ट करेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि यकीन नहीं आता ना, जैसे यकीन नहीं आता। बट मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं, और मैं शायद खुद को भी इसमें इंक्लूड करी हूँ, हम अभी तक थोड़े, हम कहते हैं हमें प्रोग्रेसिव चाहिए, लेकिन थोड़े से शायद अभी तक स्टक हैं जो हमारी, यू नो, आप कुछ नई चीज़ या, सॉरी टू कट यू, और कोई नई चीज़ या प्रोग्रेसिव चीज़ इसलिए नहीं करते कि पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। आप इसलिए करते हैं, आप उनको ये दिखाते हैं कि ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे, इसमें ऐसी क्या बुराई है जो ये नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उनके जहन में ये बात विटनेस जरूर कर लेंगे और कहीं चेक एंड बैलेंस में वो काम जरूर आएगी, वो कहीं ना कहीं रह जाएगी। दिस इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो पहला, और ये आजकल तो हो, नहीं आप बोले, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप ही को सुन, और आजकल बहुत ऐसा होने लग गया है, जैसे मेरी नीस है, सुन रही होगी, आई होप शी डजंट वॉच दिस इंटरव्यू, उसने अपनी माँ को कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गो इन फ्रंट ऑफ द, जो लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और लड़के को भी नहीं जानती, वो लोग घर में आएंगे और मैं तैयार होके चाय लेके उनके सामने मैं नहीं जाऊँगी। तो द मदर वॉज माई सिस्टर वॉज लुकिंग एट हर कि तुम क्या बात कर रही हो, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट कि ये कह रही है, तो मैंने कहा ठीक कह रही है। आजकल मैंने कहा वो तुम थी जो
जिसने किया ही है, जिसने किया होगा. लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं सोचते, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग और उसको जानना, लड़के को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. उसी जानने की तो कोशिश थी, और जो चीज़ें उसको ठीक नहीं लगती थी, जिस पे वो नाराज़गी का इजहार करती थी कि इसको ठीक करो अपने बारे में. आप सलमान आलिया की बात कर रहे हैं? सलमान आलिया की बात कर रहा हूँ. ओके, सो सलमान आलिया की जो सिचुएशन है उसमें असफर का आना क्यों ज़रूरी था? सलमान आलिया ऑन देयर ओन क्यों नहीं एक चल सकते थे? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो. ज़रूरी भी नहीं था, गैर ज़रूरी भी नहीं था. ओके, आपकी क्या लॉजिक थी? मेरे ख्याल है कि मवाजना भी बड़ा ज़रूरी होता है बाज़ दफ़ा. ओके, आप एक बंदे का आपके सामने है, आप उसकी एक ही साइड देखे चले जा रहे हैं, अभी आपने किसी और बंदे के बारे में सोचा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तो आप इसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा? बट आलिया जैसी लड़की जो इस जिसका काम ही ऐसा है जिसमें वो 10,000 लोगों से मिलती है, हर लड़की हर तरह के लोग मिलते हैं. हाँ, मगर बात देखने की भी तो है. और हम अज्यूम करें कि सलमान वो पहला बंदा तो नहीं है जो उसको, बिल्कुल नहीं होगा, होगा पॉसिबल जिसमें उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं होगा. लेकिन सलमान में वो सब खूबियां थी जो एक लड़की को एक अच्छे हस्बैंड में चाहिए. तो फिर मवाजना करना क्यों जरूरी है? जिसमें वो उसको कहती है कि अगर मेरे जैसा कोई मिल गया जी कर लूंगी शादी. तो वो बिल्कुल उसके जैसा है जिसमें, इसीलिए उन दोनों की इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, नोक झोंक भी होती है. तो आपकी पहली बात, पहले भी आप कह रहे थे कि आलिया, तो आलिया है कौन? आलिया के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग कि ऐसा होना चाहिए? क्या होना लड़कियों चाहिए? इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना भी चाहिए. वो बहुत तक सोच रही है, मेरे ख्याल में उसको अपना फैसला करने में दिक्कत नहीं होती. हर चीज़ से सोचों से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पहली बात तो ये आप सोच लें कि आलिया को वो लड़की नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करती जी. आजकल की हर लड़की ना आलिया जैसी है, जो द ग्रोइंग अप गर्ल्स जिनको मैं देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, वो बिल्कुल इसी तरह की हैं. और ये उनकी कहानी है, उस तरह की लड़की की कहानी है. तो आज की लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है, आज की लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है, जो काम भी करेगी, जिसका फोकस जरूरी नहीं है हर वक्त शादी पे रहे, और जो जिंदगी में कुछ और भी करना चाहती है. यस, शी लव्स समवन, वो भी उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है और उसको बटरफ्लाइज देता है, तो वो उसको वो भी पसंद है. शी वॉन्ट्स टू लुक गुड, शी इज समवन दैट हु इज नॉट पैसे से और किसी की बहुत अच्छी शक्ल से इंटिमिडेट भी नहीं होती. यस, जब वो व्हेन शी सीज द गुड साइड ऑफ द अदर पर्सन देन शी इज इम्प्रेस्ड विद दैट गाय आल्सो. सो आप लोगों की बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल मैंने आलिया को ऐसे ही समझा था, मुझे आलिया ऐसी ही लगी थी, और मैं बार बार ये कहती थी कि आलिया आज की लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है. लेकिन थोड़ा सा बस ये कुछ लोगों को लगा कि आलिया शायद अपॉर्चुनिस्ट ना हो गई, और मुझे भी शायद उसमें ये, मैं तो शुरू से कह रही हूँ मुझे पता है उसको सलमान पसंद है, मुझे लगता है, एंड लेकिन सलमान से उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चाहती है सलमान उसकी बातों को शायद समझे, जो सलमान नहीं कर पा रहा है, बिकॉज सलमान इज़ आल्सो नॉट द परफेक्ट गाय जो जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहा हो. लेकिन ये कन्फ्यूजन उसकी जो लास्ट मिनट तक नहीं सही हो रही, वो थोड़ा सा आलिया को मुझे तो कन्फ्यूज नहीं लगती इस बारे में, क्योंकि एक तरफ अच्छा वो असफर के बारे में बिल्कुल क्लियर थी. एग्जैक्टली, बिल्कुल वो असफर के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि उसको उससे शादी नहीं करनी. लेकिन बेचारे सलमान से इतना तड़पा रहे थे, फिर आप नहीं, उसको सलमान से इशू है, इशू है कि तुम समझ, भरोसा, वो हमेशा भरोसा हमेशा कहती है, वही बात वो कहती है कि चूंकि मैंने ड्यूज अदा कर दिए या मैं पैसे कमा रही हूँ, तुम ये समझ रहे हो कि दैट इज द रीजन दैट आई एम फॉलोइंग फॉर हिम, और आई विल, डू यू थिंक आई एम अ गोल्ड डिगर, और यू नो अगर मुझे यही करना होता तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी शायद. तो आपके ख्याल में ये काफी, अगर वो कॉफी पीने आ रही है, छत पे मिल रही है, सॉक्स को नोट कर रही है कि उसने डिफरेंट पहने हुए हैं, तो ये साइंस इनफ है फॉर सलमान टू बी कंफर्टेबल कि भाई ये मेरे साइड पे ही है. लेकिन उसका भी इतना कसूर नहीं है सलमान का, बिकॉज़ ही इज आल्सो, यू नो ही इज आल्सो समवन. इतना मजा आया ना डायरेक्ट करने वाले, यहां से कंफ्यूजन, फिर यहां से कंफ्यूजन, ऑडियंस को खूब तड़पाओ, और क्योंकि ये करो, कोई भी लड़का जो उसकी क्लास का होगा वो ये बातें सोचेगा, अगर वो नहीं सोच रहा होगा तो रियल नहीं लगेगा. लेकिन फिर उसको इनसिक्योर होना होगा, कोई भी लड़का इनसिक्योर, इससे ज्यादा इनसिक्योर होगा वो, तो फिर बहुत डिसेंट इनसिक्योर था. लेकिन लोग इनसिक्योर होते हैं, तो इनसिक्योरिटी भी तो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है, और अच्छे लोगों में भी एग्जिस्ट करती है.
तो मैं राइटर साहब से पूछ रही हूँ कि आप एक तरफ तो सलमान के से हमें बड़ी प्रोग्रेसिव आइडियाज दे रहे हैं कि यू नो वो माँ के साथ वो भी करा रहा है, ऑमलेट भी बना रहा है, वो आलिया की गाड़ी भी ठीक कर रहा है, वो तानिया को भी सपोर्ट कर रहा है, वो सब कुछ भी, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों फिर हम इतनी पोजेसिवनेस उसकी देख रहे हैं? व्हाई डू वी हैव टू यू नो मेक श्योर? उसकी थोड़ी बहुत ग्रेनेस दिखा सकते थे, बट इतनी ज़्यादा, इतना इनसिक्योर, इतना डेस्परेट क्यों हो गया सलमान? मेरे ख्याल में वो कंफर्मेशन चाहता है जो हर लड़का ऐसी चाहेगा, क्योंकि वो ज़ाहिर से मोहब्बत तो करता है, बहुत शदीद करता है। सब की वजह से मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि फिर वो और आलिया एक दूसरे को डिजर्व करते हैं क्या? खुद ही डिजर्व ही करते हैं, बिकॉज़ दे लव ईच अदर, दे बोथ आर रियल गुड कैरेक्टर्स, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे बोथ आर एम्बिशियस, दे बोथ, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सलमान ने दो तीन चीजों पे वो इनसिक्योर हुआ है, एंड व्हिच इज नेचुरल, हु वुडंट इन फ्रंट ऑफ अस। गाड़ी मिल गई अचानक, जाहिर है उसको तो होगा भैया ये, मैंने ऐसे बहुत देखा है, बल्कि बकायदा लड़ाइयाँ भी होती देखी हैं। अगर लड़की को फर्ज कर प्रमोशन हो गई है, लड़के की नहीं हुई है किसी भी वजह से, तो फिर सिर्फ वो शक नहीं करा, वो इनसिक्योर भी है। थोड़ा थोड़ा तो होना जायज़ है ना, क्योंकि है तो इंसान ही, वरना फिर वही वाली बात होती, जैसे सारे हीरो हैं वो भी वैसे ही होता अगर उसमें ये वाली ना होती। तो ये ऑडियंस को क्या बोलेंगे, मुझे जैसे ऑडियंस जो इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आलिया कुछ कह नहीं पा रही है, आलिया क्या अपॉर्चुनिस्ट है, आलिया कहना मुश्किल नहीं है, वो कहना नहीं चाहती इस बात को, क्योंकि कई दफ़ा उसने बात कही कि जहाँ भरोसा होता है वहाँ सवाल नहीं होते, जहाँ भरोसा होता है वहाँ सवाल नहीं होते, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे हमेशा ईगो भी नहीं होती। ईगो की वजह से तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो चुप है। फिर किस वजह से? वो यही कह रही है ना, तुम्हें उसके हालात भी तो देखो, वो बेचारी एक चीज़ से निकलती है, दूसरे में फंसती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में फंसती है, और ये बात भी उसने कही कि हालात तो देखो, कभी उतारियों के मसले में फंसी हुई, कभी उसामिया के मसले में फंसी हुई है, कभी अपने उसमें फंसी, तो ऐसे में वो लड़की अजीब सी लगेगी कि यार चारों तरफ तो घर में वाबैले मचे हुए हैं, वो छत पे चढ़ी रोमांस कर रही है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट इफ शी इज नॉट अ पीपल प्लीजर? इट्स नॉट अबाउट पीपल प्लीजर, इट्स लाइक क्योंकि पीपल नहीं है सलमान, जिस पर मोहब्बत करते हैं वो पीपल नहीं होते, नहीं है, लेकिन वो उसको उसके लिए आप दो कदम एक्स्ट्रा थोड़ा सा चल सकते हैं, और वो उसके उसको बहुत पसंद करती है, वो उसके लिए घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, उसको पता है मेरे से अपसेट है, मैंने असफर को ज्वाइन कर लिया, वो ऊपर जाती है उसके कमरे में उसे कहने के लिए कम एंड ईट, अम्मा ने अम्मा खाने पे बुला रही है, जिस पे उसको डांट देता है, जिस पे उसको दुख भी होता है, सो दोनों तरफ एक एफर्ट चलती रहती है, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इतनी ज़बरदस्ती, इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लिकेशंस जो आजकल के कपल्स फील कर फेस करते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन, यू नो व्हेन इट कम्स, व्हेन टू एंबिशियस पीपल फॉल इन लव विद ईच अदर। नॉर्मली हम क्या दिखाते हैं, लड़की कभी कोई काम नहीं कर रही होती, घर में होती है, या तो उसकी शादी होने वाली होती है या हो चुकी होती है, और उसके बाद वो घर के अंदर चीज़ें हैंडल कर रही होती है। जब दो लोग जो बाहर काम करते हैं और दोनों के एम्बिशंस एक जैसे हैं, उसको भी अपना घर चलाना है, इसको भी अपना घर चलाना है, तो बहुत पैरेलल सिचुएशन आ गई ना, तो इसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं इस रिलेशनशिप की। इसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते जो आप, जब डायनामिक्स बैलेंस नहीं होंगी, वन इज अ डिपेंडेंट, द अदर इज डिपेंडेंट। मैं तो जब भी देखती थी मुझे लगता था कि ये एक बहुत से लोग जो देख रहे होंगे ना, उनको अपनी अपनी रिलेशनशिप्स की रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आ रही होगी, कि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और वो नहीं क्लियर होती हैं, वो मीट नहीं होती हैं, तो फिर ये चीज़ें इस तरह की। मुझे एक और बात भी है कि जब जैसी कन्फेशंस हो जाते हैं ना मोहब्बत में, तो शायद वो खूबसूरती भी बाकी नहीं बचती जो अभी है, आप जो नोक चोंक देख रही हैं। आपकी सारी बातों को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और आपकी सारी बातों को समझ रही हूँ, इस बात को नहीं। मुझे लगता है आलिया को थोड़ा हमारे सफर का बहुत ज्यादा आखिरी एपिसोड में दूसरा ये तो शिकवा मुझे, हम हर चीज आखिरी एपिसोड, लेकिन उसको खत्म हो जाती है ना दसवीं एपिसोड में, कन्फेशन हो गया, हाँ तो मेरी मैं तुम्हारा खत्म ड्रामा, फिर हम क्या करते। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो आप बेहतर जानते हैं किस तरीके से आप उसको सुनाना चाह रहे थे कहानी को। सिर्फ ये मुझे कि पाकिस्तानी ड्रामों से यूजुअली हमें ये शिकवा रहता है, पूरी कहानी को लेके चल रहे होते हैं, एवरी थिंग गेट सॉल्व इन द लास्ट एपिसोड, ऐसा क्यों हम करते हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी? हम दो एपिसोड अगर आ सकते थे, नहीं ऐसे ही हुआ इसमें, इसमें जो मीना का इशू था वो पहले रिजॉल्व हो गया, सामिया का इशू पहले रिजॉल्व हो गया, अभी तक नहीं हमें पता, नहीं लास्ट एपिसोड वो ये उसका रिजॉल्व है, ओके हर स्टोरीज
सामिया पे हम आते हैं अभी, सामिया तो भूल ही गए, इतने कैरेक्टर्स हैं। सो जो लास्ट एपिसोड के लिए एक ही रिजॉल्व बाकी बचा था जो आलिया, सलमान और असफर का, नहीं सैफ का डिसीजन भी लास्ट, सैफ का रिजॉल्व हो गया पीछे सेकंड लास्ट तक, मुझे नहीं समझ आई। ये भी एक रिजॉल्व होता है जब कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, एक्शन ना ले रहा हूं, ये भी एक रिजॉल्व है, अनदर इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट चीज मेरे ऊपर। ओके, शेरयार का कैरेक्टर जो असफर का कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू में मुझे लगता है उसको शायद मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे या उसको थोड़े से इश्यूज थे, एंगर इश्यूज थे उसके, एंगर इश्यूज भी, एंड देन कुछ जगहों पे उसकी कुछ स्टेटमेंट्स मुझे बड़ी लगा कि वो हरासमेंट की तरफ भी जा रही हैं, जो वो आलिया को बोलते थे थोड़ा सा तंग करने के उसमें, या चैलेंज करने के, चैलेंज करता था वो, एक बिल्कुल हरासमेंट, चैलेंज करने, लेकिन फिर हम उसको थोड़ा सा, मुझे हरासमेंट की तरफ एक दो सेंटेंस, थोड़ा सा अपफ्रंट और बदतमीजी कह ले, लेकिन वो दूसरी तरफ से भी उतनी ही बदतमीजी और अपफ्रंट आंसर मिलता था उसको, सो उसको भी उसने एक्सेप्ट किया। जस्टिफाई हिज बिहेवियर राइट, देखो उसको ये नहीं लगता था कि उसकी बहन ने एक चीज भेजी है मेरे ऑफिस में और वो जासूसी के लिए भेजी हुई है, तो उसका गुस्सा तो बहुत जायज था शहरयार का। नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि उसको फिर हमने दिखाया कि वो चेंज हो गया, वो हीरो हो गया, तो इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? मैं ये, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि एक वो कैरेक्टर है जिसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम्स नजर आई हैं, देन वी टर्न हिम सॉफ्ट, वी चेंज हिम, एंड हम एज एन ऑडियंस उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करना शुरू हो गए, यू नो, फ्रॉम डे वन टू नाउ द लास्ट एपिसोड। मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान के अंदर उलझने तो होती हैं ना, और अगर वो सुलझाई ना जाए तो वो लश्ती चली जाती हैं। इसके पास एक कैरेक्टर ऐसा आया कि वो नॉट्स उसने खोलना शुरू कर दिए उसकी, और उसको बताना शुरू कर दिया कि ये सही है, ये गलत है, जो ईगो की वजह से तुम कर रहे हो ये सब कुछ, या इस वजह से कर रहे हो। तो अगर हम आलिया को एक थर्ड पर्सन दिखाते एंड उसमें रोमांटिक एंगल नहीं डालते तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता? बिकॉज ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ज़िंदगी में एक थर्ड न्यूट्रल पर्सन चाहिए होता है टू काम देम डाउन। मुझे लगा आलिया वो बंदी थी बिटवीन सेरिश एंड, यही सोच के तो सेरिश ने किया था। या कि उसको ये पता था कि आलिया इज़ अ गुड लिसनर, और आलिया इतनी सेन है कि अगर वो कोई ऐसी बात करेगा भी तो ये लड़की उसको ठीक कर सकती है, इसीलिए उसने उसको भेजा। और मेरे ख्याल में वो बैलेंस हो जाता है जब वो उसके पास आती है, वो शुरू शुरू में तो ऊपर से आता है क्योंकि उसको वो लगता था ना कि ये प्लांटेड है। ये बात थी। और तुम कह रहे थे कि कैसे वो ठीक हो गया और क्या हुआ, मैंने कहा था कि वो सुलझा देती है, सुलझा देती है। तो कितने चेंजेस का है स्क्रिप्ट में? नहीं नहीं, कोई चेंजेस नहीं करा कोई चीज। ऑफ कैमरा जो स्टोरी वो सुना सकते हो, जो सुनाई थी आपने अभी, या वो नहीं सुनाई? मैं तो ऐसे ही कहता था, बस मैं थोड़ा सा ये कुछ कर दिया लास्ट सीन वाली, जिसे मैंने सोचा कि यार ये पूरा हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं लिखना, और क्योंकि ये लोग शूट पे चले गए थे आखिरी सीन के लिए, ठीक है, तो मैंने कहा खत्म हो गया, मैं फौरन अदनान गाड़ी की तरफ गया, और हम वहीं बैठे हुए थे, और जब ऐसे में नदीम का फ़ोन आता था ना, तो मैं उसको हमेशा समझता था ये मौत का परवाना है ये। पहले पूरी कोशिश होती थी नदीम का फ़ोन ना उठाऊं, okay. ये पता होता था कि अगर ना उठाया तो उसके बाद क्या होगा, तो डर के मारे उठा क्या होता, आई वांट टू नो। ओके, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, बाहर उठाया तो कहा अहमद बहुत अच्छा सीन लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा छोटा है, अहमद अब इतनी दूर आए हैं शूट कर रहे हैं तो ये प्लीज नॉट जस्ट दैट कॉन्वर्सेशन के अंदर आपने क्या बोला, आप बताओ। वो उसको लेने के लिए आया है, उसको लेने के लिए आया है, कोई उनके दरमियान में एक बहुत इंटरेस्टिंग रोमांटिक सीन होना चाहिए और वो चार लाइनों में खत्म नहीं होना चाहिए, मेरी एपेटाइट पूरी नहीं होती। दैट वाज एंड आई थिंक वी शुड थैंक यू फॉर दैट, यू नो। अब वो मेरा गुस्से में हाल बुरा कि मैं अब बिल्कुल जब कर दिया ऐसे में अब बैठ के मैं लिखूं, वो भी रोमांटिक गुस्से में लिखा, फिर उन्होंने फिर मैंने شدید गुस्से में वो सीन लिखा, شدید गुस्से में, और मुझे भेजा व्हाट्सएप किया, और मैंने गाड़ी में बैठते हुए पहले वो अदनान को मैंने कहा अदनान मैंने ये लिखा है, ये मांग रहे हैं तो तुम पढ़ के देख लो तुम्हें सही लग रहा है, तो अदनान ने पढ़ा कहते अहमद ये ठीक है, बस मैंने कहा तो थोड़ा सा और ऐड कर दो, मुझे ये अब भी छोटा लग रहा है, तो अदनान ने से बहुत खूबसूरत से डायलॉग दो और भी ऐड किए, वो मैंने फौरन इनको व्हाट्सएप किया और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, मैंने कहा अब मोबाइल नहीं उठाऊंगा। आया कि अब ये पहले नहीं लिख सकते थे आप। नहीं वो चल चुका ना, तो बता दें
जब तक ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। अच्छा, वो चूंकि इतनी ज्यादा मोहब्बत में थी अपने मरहूम शौहर से कि उनको हर बार ये लगता था कि मैं किसी और से शादी करूंगी तो चीट कर रही हूँ। ये कितना खूबसूरत आइडिया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फीमेल्स गो थ्रू इट। लेकिन ये हम पहले क्यों नहीं बता पा रहे थे आप हमें? नहीं बताया है ये उसमें उसको लगता है कि, और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सोफिया तो थानवी को कभी कोई लिफ्ट नहीं कराती और उससे कोई ऐसी दिल की बात तो वो उससे करती नहीं है। भी नजर आती फिर वो जो आखिरी सीन है उन दोनों का जिसमें वो कहती है कि मेरा सामान खो गया है, तो कहता नया ले लेंगे, तो उस सीन में वो उसको कहता है कि मैं उसकी जगह लेने के लिए नहीं आया, और अगर तुम तुम्हारे दिल में वो है तो रहे, मैं उसको निकालने नहीं आया तुम्हारे दिल से। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड दैट शी अंडरस्टैंड्स बिकॉज आई फील दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और ये कितनी खवातीन इस चीज़ से गुजरती है, दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन। तो बड़ा अच्छे आप लोगों ने टॉपिक्स तो सारे वो हैं जो रेलिवेंट हैं, जो मुझे लगता है किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई उनसे कनेक्ट कर पाता है या अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होगा। My father passed away when my mother was 40 or 41 और हम बच्चे थे, अम्मी was very young, my father was older than her, so उसके बाद जब थोड़ी अकल आई बहुत सालों के बाद तो मैं अम्मी को कहता था अम्मी आपकी शादी करवा देनी चाहिए थी हमें आप तो बहुत यंग थी तो वो बहुत ब्लश कर जाती थी और डांटती थी कि ये क्या तुम बेहुदा बात कर रहे हो, तो वो तो ऐसी कहती थी। लेकिन इतनी प्यारी है वो, अगर आप उनसे मिलें वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। तो मैं सोच सकता हूँ कि वो 41 की एज पे क्या लगता है। शी वाज अ यंग वुमन व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड। नहीं, आइडियाज़ तो सारे बड़े प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा, जब ऑडियंसेस आपके पॉइंट्स को नहीं समझ पाती, जो मैसेजेस आप देना चाह रहे थे, उसको क्या फीलिंग होती है? मैंने कभी नहीं समझा कि ऑडियंस समझ नहीं पाते। ऑडियंस बिल्कुल समझ लेते हैं, कभी थोड़ी लेट समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता, कुछ को आ जाता है, बट दैट्स ओके। सबको सब नहीं समझा सकते। ये सही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके मैसेजेस उस तरीके से नहीं लोग समझ पाते? मैं अगली दफ़ा लिख दूंगा। ग्रेट। जब हम आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आप हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी है कि कुछ अनकही जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं इंडस्ट्री के लिए, तो मैं चाह रही हूँ कि आप वही बात शेयर करें और ये भी कि इससे किस तरीके से कंटेंट को आप चेंज होते हुए देख रहे हैं। देखिए, कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और उसमें इतने खूबसूरत लिखने वाले लोग जो लाइट हार्टेड क्या और रोमांस क्या और ट्रेजिडी क्या, सब कुछ ही इतना आला लिखते हैं और क्या जुमला लिखते हैं अहमद। तो इस तरह के जब राइटर्स हों तो कुछ ट्राई ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ऐसी कहानी की तरफ की बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही किसी और दुनिया की कहानी हो, इसी दुनिया की कहानी और इन्हीं रिलेशनशिप्स पे बेस करती हुई, लेकिन थोड़ी उसके अंदर तमीज़ तहजीब जो कि ज़रूरी है, जो कि लोग बहुत सीखते हैं हमारे ड्रामे से। बिल्कुल। और उसको अच्छा, और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ड्रामा, आई डोंट से दैट हमने को बहुत कमाल ड्रामा बना दिया और उसमें कभी कोई गलती नहीं की। आई ऑल्सो लर्न अ लॉट, बहुत सी मिस्टेक्स हुई होंगी, मुझसे हुई होंगी, शायद अहमद से हुई हो, लेकिन वो भी हमारे लिए एक लर्निंग होती है और उससे हम सीखते हैं और उसको अगली दफ़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ अनकही मुझे देखना बहुत पसंद है। मैं ऑफिस जाके जब उसका म्यूज़िक और ग्रेड हो जाता था तो मैं एडिटर से, अभी भी मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ और मैं उससे कह रहा हूँ फाइनल एपिसोड, मैं उसको कुछ चेंजेस बताई थी, उसने कहा है कि मुझे अब वो चेंजेस हो गई हैं तो अभी आके देख लें, तो मैंने कहा कि मैं अभी आके देखता हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच अनकही, कुछ अनकही, क्योंकि दिस इज़ माई काइंड ऑफ प्ले। दूसरे ड्रामे, एक और बात भी है ना कि कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि अब वैसे ड्रामे नहीं बनते जैसे बना करते थे। सही बात है ना, तो अब एक ऐसा ड्रामा बन गया है कि लोगों का ये शिकवा तो कम से कम दूर हो गया। अब मुझे लगता है कि लोगों को ये भी समझ आ गई कि हाँ अब भी ऐसे ड्रामे बन सकते हैं और अब भी लोगों को बात समझ आ सकती है। सही बात है। महज़ूब तरीके से जो आप सारे घर वालों के साथ बैठ के देख लें, आपको कोई इशू ना हो, नो थप्पड़, नो गाली गलौज, नथिंग, नो कोई धक्का भी नहीं दिया किसी ने, नहीं, एंड इतना अच्छा ड्रामा। मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की कहानियाँ होती हैं। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ड्रामा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द बेस्ट ड्रामा, बाकी
इस तरह सारे ड्रामे ऐसे ही बनने चाहिए. उनको याद आ गया मेरे कंटेंट हेड ने मेरे नीचे और ड्रामे भी है. नो नो इट्स नॉट दैट. मैं बिलीव करता हूँ इस पे कि सारे ड्रामे भी कुछ अनकही जैसे नहीं होने चाहिए. ऑफ कोर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको लाइट हार्टेड जरूर ट्राई करना चाहिए. मुझे तो लगता है रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट होना चाहिए. मैंने तो ये नई टर्म आजकल डिस्कवर कर ली है, मैं हर जगह इसी को बोल रही हूँ. रिस्पॉन्सिबल भी जी, अच्छा कॉन्टेंट होगा रिस्पॉन्सिबल भी होगा और एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग जरूर होना चाहिए. देखिए रिस्पॉन्सिबल हो एज लॉन्ग एज वो सेंसेशनल भी हो सकता है, वो हाईलाइटेड भी हो सकता है. इट कैन बी विदाउट अ मैसेज आल्सो. मैं तो ये भी कहती हूँ एज लॉन्ग एज इट इज रिस्पॉन्सिबल. दैट इज ऑल. उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम हर दफ़ा एक ड्रामे में 10,000 मैसेजेस देखें. कुछ भी बना लें और आप सेंसेशनल मटेरियल भी देते हैं, क्यों नहीं. लोग अपना मैसेज खुद निकाल लेते हैं उसमें से. ट्रू. अपनी पसंद का मैसेज समझ लेते हैं. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीजें याद आ गई जो जो मुझे नहीं कहनी चाहिए. कमिंग टू सामिया एंड असैफ, ये कश फाउंडेशन की तरफ से ये जो बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है एंड आई लव्ड इट. मैं इतनी खुश हूँ. जब शुरू हुआ था ना, मैं उसने कि क्या क्या होगा सामिया का, आई वाज वेरी डाउटफुल अबाउट इट. मुझे नहीं समझ आई थी किस डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन जब पूरा उसका जर्नी पहुंचा ना, तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट. इतना खूबसूरत मैसेज हमने इतने अरसे बाद या फॉर मी द फर्स्ट टाइम देखा है कि एक लड़की उस सारी सिचुएशन से अपने आप को मजबूत करके निकलती है. फॉर मी दिस वॉज द थिंग कि ठीक है कुछ हो गया बुरा. आई रिमेंबर यू सेइंग इन द मिडल ऑफ द सीरियल, अगर ये वापस अगर ये उस घर में गई और उसने अपनी हुस्न सलूक से सबको माफ़ कर दिया. और वैसे तो मैं सामिया को कभी माफ़ नहीं करूँ. तो मैं सोच रहा होता था और मैं कहता था कि राबिया वेट कर लो, आगे देख लो एंड तक. लेकिन आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट मीरा सेठी. आई थिंक शी इज़ a hidden gem. She acted so well yeah. in this drama, and she surprised me many times. There was a scene jo maine usko ek apni briefing di aur usne wo scene apni maa ke sath scene tha in the bedroom, jisme irsa ka koi dialogue nahi tha, sare dialogue sirf samia ke the. To maine usko ek brief di aur maine usko kaha ki tum ye soch ke kuch bolna, और उसने बोला और मुझे लगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं है इसमें. और मैंने उसको कहा कि ओके कैन यू डिलीट माय इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर माइंड. उसने कहा यस आई कैन. मैंने कहा देन डू इट योर वे. हाउ सामिया फील्स एट दिस पॉइंट एंड शी डिड एन अमेजिंग सीन कम्प्लीटली डिफरेंट देन द प्रीवियस टेक. ओके सो शी इज समवन दैट हु सरप्राइज्ड मी अ लॉट. And I think she's one of the very fine actors. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैंने उनका काम पहले भी देखा है, लेकिन इसमें definitely she was shining. और ऐसा है कि सामिया. And it's Sajjal's favorite character also. She always says कि सामिया was so good नदी. सामिया ने हम सबका दिल जीत लिया. And Sajjal तो फिर Sajjal है. Sajjal तो फिर Sajjal है. सबकी performances बहुत जबरदस्त थी. लेकिन Sajjal को ये बात पसंद नहीं है जब आप ये कहें कि Sajjal तो बस Sajjal है. वो कहती है कि डिटेल में बताएं मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ. डिटेल में बताइए, वो सुन ले, उनको हम सुना देते हैं. Sajjal के बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि Sajjal जो है वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी एक्टिंग को बिल्कुल प्लान नहीं करती, जो अपनी शी इज वनरेबल, शी इज अंडर कॉन्फिडेंट एंड शी And that's the beauty of her performance. मैं उसकी बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद आम पब्लिक को पता चलती होंगी कि एक सीन है जिसमें असफर उसको कहता है कि अगर मैं आपके घर आ गया तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी, जिसमें उसकी तब देख के कहते हैं आप ही सकती हैं. The way she said it, I think it was one of very few actors I've seen doing this in this country. So she is a gifted and an amazing actress. अब इतनी सही बात कह रहे हैं. ये वो एक कैरेक्टर था. यूजली यू नो अगर कैरेक्टर के पास बहुत ज़्यादा गम हो या कोई एक मसला हो जिसमें आप रो बहुत रहे हो, आप चीख रहे हो, आप वो करो, मुझे लगता है ये सब टूल्स होते हैं टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस. लेकिन जब इतना एक इस तरह का कैरेक्टर ना जिसके पास ये सब टूल्स नहीं है, एक नॉर्मल इंसान, तो उसके इमोशंस को इतने खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट करना बहुत आर्ट होता है, जो Sajjal ने किया. और आप सही कह रहे हैं उनकी एंड सलमान ने भी उसके कैरेक्टर में भी कुछ बड़ी बेसाखी नहीं थी, वरना मेंटली चैलेंज्ड लंगड़ा अंधा
ये वो रोल्स हैं जो लोग मरते हैं करने के लिए, जो मुझे लगता है आसान होते हैं। और यार ये कि वो बहुत अग्रेसिव, लेकिन अंधे से मुझे याद आया कोई गुले राना जैसा कोई रोल कर नहीं सकता है जिन महल में। शी वाज आउटस्टैंडिंग। आई एम जस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी आई एम जस्ट प्रेजिंग हर। कमिंग बैक टू सलमान, वो जो छत पे एक जगह वो आलिया, द वे ही सेज इट आल्सो आलिया, वो उनकी आवाज में भी, बिलाल की आवाज में इतने इमोशंस थे, इतने एक्सप्रेशंस थे कि आपको मैसेज समझ आ जाता है। सो यस, बोथ ऑफ देम डिड एन अमेजिंग जॉब। एंड सजल तो वो आंखों से ही कुछ ना कुछ चेहरे से वो करती हैं, व्हिच इज सच अ ट्रीट टू वॉच बोथ ऑफ देम टुगेदर। Which brings me to another shikwa of the audiences, कि क्या हम odd scene उनके deserve नहीं करते थे? अच्छा, वो शायद अच्छे इसलिए लग रहे थे कि कम scene थे। बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हर दूसरा scene उन दोनों का होता तो लोग bore हो जाते। हर दूसरा तो नहीं, इससे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता। नहीं, उनके बहुत scene थे और हम you know, और ये उन दोनों की कहानी नहीं थी सिर्फ, ये बहुत से लोगों की कहानी थी और ये इवेंचुअली लोगों को समझ आ गई कि उन्होंने कहा हमने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि इन दोनों के, क्योंकि ड्रामा इन दोनों के बारे में सिर्फ नहीं है, ये सब के बारे में। मैं तो लगा रहूंगा आप लोग चेंज हो जाएं, कि आपने कहा लोगों ने, आप सही कह रहे हैं, लेकिन खैर मैं उनमें से थी जो शायद। फिर देखे ना, लोग इन्वेस्ट हुए हर एक कहानी में, हुए लोग साम्य की कहानी में इन्वेस्ट हुए, पप्पो की कहानी में हुए। आई लव पप्पो एंड सोफिया, पप्पो एंड थानवी साहब, बहुत मजा आता था उनकी स्टोरी सुनते भी। सो कमिंग बैक टू हम कि ये जो मैसेज था विच वॉज कि एक लड़की अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ सकती है इन सब चीज़ों में, मतलब मुझे लगा आप लड़कियों कह रहे हैं रो मत, डिप्रेस मत हो, अगर ये मुसीबत आ गई है, ये मसला आ गया है, देन मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, बी इंडिपेंडेंट, बी स्ट्रांग। और अगर तुम एक मुश्किल घर में जा रही हो तो वहाँ पर भी निभाने की कोशिश करो। ये भी नहीं कहा कि तुम कोई बगावत करके ही निकल खड़ी हो, तुम उसको वहाँ पर भी किसी ने उसके साथ उस तरह से, हस्बैंड ने कोई ज्यादती नहीं की उसके साथ, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। तो ये मैसेज आप लोगों का अपना था, आपका अपनी वो थी, या फिर ये कश फाउंडेशन की तरफ से क्लियर आपको ये आया था ये मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं? ये हमारा था, ये आपका था। तो व्हाट मेड यू कम अप विद दिस आइडिया? बिकॉज़ मैं इसलिए बड़ा इंट्रिग्ड हूं क्योंकि हमारे ड्रामों में ये दिखाते नहीं, हम बस कहते हैं सबर करो जीत जाओगी, बट ये बात, ये जो चीज दिखाई कि शी एक्चुअली बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपनी जिंदगी अपनी साइड, हालांकि उसके मां-बाप बड़े सपोर्टिव थे उसके लिए, बट उसने वहाँ नहीं किया, ये तो जिंदगी ने जब धक्का दिया तो उसने ये ढूंढा। ये आइडिया कैसा आया आपको? ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप अचानक किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो लड़ दो या डूब जाओ। तो मेरे ख्याल में चूंकि उसकी तरबियत उसके माँ बाप की तरफ से तो बहुत ऐसी थी, वो उसने दबा रखी थी अपनी, उस वजह से जब वो, अब उसके पास खुला मैदान था कि अब तो मैं अपनी मर्जी पे हूँ, या मैं मर जाऊँगी या तैर जाऊँगी। लेकिन मैं समझ जा रही हूँ ये किस पॉइंट, मतलब सॉरी मैं ये पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज हमारे यहाँ बस कहते हैं ये जो टॉक्सिक हम सास बहू दिखा रहे हैं, या हम नेगेटिव कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, या हम ये घिसे पिटे वही कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी में यही होता है। लेकिन अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो हम तीनों एग्री करें कि हाँ सोसाइटी में ये भी होता है, दिस इज़ रियल लाइफ, कि वैन यू आर पुश टू द यू नो वॉल, देन यू डिस्कवर समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये किस पॉइंट पे आपने सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए, या क्या जिंदगी में ऐसी चीज़ हो रही थी जिस पे आपने सोचा कि हाँ मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ? मुझे बस क्यूरोसिटी हो रही है ये सोच सुनने की। कुछ हुआ होगा ऐसा जो मैंने शेयर नहीं कर सकता, मगर मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सलमान की माँ है एक तरफ देखती हैं, और हमारे इधर में ऐसी माएँ भी हैं जो बहुत खौफजदा हैं कि उनका बेटा शादी करके भाग जाएगा, जो कि आपने सैफ की माँ को दिखाया है, वो कहती भी है, और उस चक्कर में वो जो कुछ अपने बेटे के साथ कर सकती हैं उसको बांध के रखने के लिए वो करती हैं, किस हद तक जाती हैं आप शायद वाकिफ ना हो, मगर ये कि वो इस हद तक जाती हैं कि वो जादू टोने करेंगी, तावीज़ गंडे करेंगी, वो सब कुछ करेंगी, और बेटे को इतना सधा के रखती हैं कि वो आंखों के इशारे पे उठता और बैठता है। तो जब आप इतना ले गए तो फिर सामिया को क्यों नहीं ये बोल्ड एक्शन भी ले लिया कि सामिया छोड़ दे सैफ को, वो किस चीज़ ने? तकरीबन वो उस दहेज तक तो पहुँच गया, फिर उधर से इनकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों अगर कुछ भी इख्तलाफ ज़रूर होते थे बहुत ज़रूर, मगर या मैं कायल हो जाता था या ये कायल हो जाता, उसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, मगर यहाँ पर इसके उसमें हम उसको वहाँ तक तो ले गए जहाँ पे उसके हाथ में अब है जी कि वो क्या फैसला करे, जा भी सकती है,
वक्त भी ले सकती है, सोचने के लिए भी टाइम ले सकती है। तो जैसे नदीम ने कहा ना कि हर कहानी को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, कि ये भी उसका एंड हो सकता है। बिल्कुल, कि अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया डिसाइड, वो टाइम लेके हो सकता है, कुछ कहीं पार्ट टू आने वाला है। हाँ, ये भी हमने पढ़ा उसमें। और वो जो सबसे मजे का ये था कि आगाज में सुना आप रमजान प्ले लिखने वाले, चलते हैं अब ये खत्म करें। बट दैट्स सच अ गुड न्यूज़। नहीं, अभी आप यही अनाउंस कर दें हमारे चैनल पे इस साल हम 2024 में हम, बहुत शुक्रिया। या व्हाई, बात ये है कि आगा जी और शम्मो के सीन ज्यादा हैं, सलमान और उसके सीन्स कम हैं। ये था सबसे मजे का, क्योंकि राइटर आगा जी थे, दो चार तो उन्होंने, और दो चार सीन तो आपके कम हो ही सकते थे। हाँ भी, बहुत सारे कम हो सकते थे। मैंने तो शुरू में कहा था कि मार लो, हम तो मरने में इतने एक्सपर्ट हो गए। वैसे मैंने ऑनेस्टली ये बात नहीं सोची थी, अब इतना तो कह रही हूं राइटर, हाँ मैंने ये शिकवा नहीं किया। नहीं, बट जायज है कि राइटर के हाथ में था, तो राइटर ने अपने और शम्मो के सीन ज्यादा लिखे। ये आपने किया, मैं तो माइनस करता, अल्लाह की कसम, अगर मेरे इख्तियार में होता तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि उस सज्जल के और उसके सीन कम हैं, इन दो के ज्यादा क्यों। नहीं, मैंने ये कंपैरिजन नहीं किया, बट हाँ मुझे लग रहा था कि एक घंटा हो चुका है हमें गुफ्तगु करते हुए, तो आई एम गोना रैप इट अप, वरना सवाल बहुत से हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अगर आपको इंडस्ट्री के पूरे कॉन्टेंट, समझे इंडस्ट्री पूरी एक कॉन्टेंट के अंडर चल रही है, उसका हेड बना दें आपको पूरी इंडस्ट्री, क्या तीन चीज़ें आप कहेंगे होंगी नहीं ड्रामों में बिल्कुल भी, क्या बैन कर देंगे आप तीन चीज़ें? इतना मुश्किल सवाल, जो बातें मैं खुद नहीं कह सकती वो मैं आपसे कहलवाना चाह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि क्या होनी चाहिए, उन मौजूदात पे भी बात होनी चाहिए जिन पे हम नहीं करते। बहुत से ऐसे डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं जिनसे हम घबराते हैं और उससे मुंह मोड़ लेते हैं और उस पे हम बात नहीं करते, जो बहुत इंटीमेट भी हो सकती हैं, और उसका भी एक तरीका होता है उसके बारे में बात करने का, और जिसमें बहुत से राइटर्स करते रहे हैं, जिसके अंदर उर्दू अदब में बहुत बहुत कुछ लिखा गया है। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो सकता है, वो ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेरा, मैं समझता हूँ कि कोई एजेंडा नहीं होता इस काम में, ये एक वेव होती है, ये एक फ्री माइंड होता है, फ्री माइंड के अंदर एजेंडाज नहीं होते। तो फ्री माइंड्स होने चाहिए जिसमें सब कुछ होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आपको आजकल क्या दुख हो रहा है? सूझ पहले रहा। तो आपको ये नहीं, आपको पहले आपको पहले आपका शिकवा था ना, आपको हर ड्रामे में मार देते थे। हाँ। तो रिसेंटली मैंने वो चीज देखा है। हाँ। आजकल क्या चल रहा है, जो कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, कुछ सॉलिड आ रहे हैं या क्या? नहीं, सबकी फरमाइश थी दाढ़ी वापस रख लें और वापस शरीफ अब्बा बन जाए। ओके, तो मैं बन गया वापस, अब सब एक जैसे करूँगा दोबारा। मगर मेरे ख्याल में अभी शुरू हो रहा है कल से एक सीरियल, उसके बाद राबिया तो मुझे यकीनन फ़ोन, जिस तरह अभी भी करती थी ना हर इतवार को फ़ोन सुबह, अब एक शुरू हो रहा है जिसमें हर सुबह सिर्फ गालियाँ तुम दोगी कि अहमद साहब ज़रूरत क्या थी ये करने की। तो मुझे उसके इंतजार है, वो कल से जियो पे शुरू हो जाए। जियो पे शुरू हो रहा है, कौन सा वाला? नहीं, मैं नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, नहीं, आप खुद देख लीजिए। हम अगर इरशा जी की बात नहीं करेंगे तो आई थिंक बड़ा अनफेयर होगा, एंड आसमा जी की भी, तो उन दोनों के बारे में अगर आप कुछ, और दोनों इतनी फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस हैं, इरशा, हम बहुत देर सोचते रहे मैं और इरशा कि हम कब काम करेंगे इकट्ठे, एंड समहाउ इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी और उन्होंने एग्री किया ये वाला रोल करना, एंड शी डिड एन अमेजिंग, शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस, शी इज़ समवन दैट हु इज़ वेरी सेंसिटिव, एंड शी गिव्स हर 100%, एंड आई लव द वे शी परफॉर्म्ड शम्मो, इतने अच्छे, ऑफ कोर्स आपने लिखा और डायरेक्ट बड़ा अच्छा, असमा अब्बास भी ऑन द अदर हैंड शी इज़ अ वेरी वेरी एफर्टलेस एक्ट्रेस, और वो इतनी आसानी से इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, आई थिंक दोनों, दे बोथ आर, कोई डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती थी बहुत ज़्यादा। बहुत मज़ा आ रहा था उन दोनों को देख के, और जो शम्मो का कैरेक्टर, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी, यू नो, वो जितनी जो आप सोसाइटी की चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो उनके थ्रू हमें वो लगता था कि वो बोल रही हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, मुझे उनका लहजा और आवाज़ बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ डायलॉग्स समझ के बोलना एक और बात है,
खाली बोल देने एक और बात है, वो जब लाइन कोई बोलती थी तो वाकई लगता था कि वो हकीकतन ऐसा सोच भी रही हैं, तो इसलिए बहुत लुत्फ आता था उनके लहजे पे, मुझे बहुत खुशी होती थी, बहुत मज़ा आता था उनको देख के। और उनके परफॉर्मेंस का ऐसा था कि गुस्सा कभी नहीं चढ़ता था, समहाउ आई कुड अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। कभी आपको यूजुअली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, आप कहते हैं यार क्या बात करें, बट उनकी बात को आपको मदर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा था, समझ के कर रही थी, बहुत समझ के करती हैं। फिर द क्वालिटी जो उनमें है बहुत ज़्यादा, वो बहुत अंडरटोन करती हैं और एग्जैक्ट सीन को उसके मेरिट पे करती हैं, और इस सब चीज़ की उनको बहुत समझ है। आलिया असफर के घर केक लेकर क्यों गई थी बर्थडे मनाने, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन थी उसके पीछे, बहन ने कहा था उसको, वाज इट नॉट इनएप्रोप्रिएट। देखिए बहन क्या चाह रही थी, बहन चाह रही थी कि किसी तरह वो खोले तो सही, मुँह से तो बोले कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर वो कोई बहुत पर्सनल चीज़ ना करती तो बहुत पर्सनल बातें भी ना करता। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने नहीं सोचा था कि आपको जब किसी के साथ अगर कुछ शेयर करना है तो शायद आपको अपना कुछ बताना पड़ता है, ताकि वो फिर आप उस लेवल पे आते हैं कि वो भी आपसे बात करे। तो उसको कुछ ऐसे ही करना था उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, कि वो मुँह से बोले तो सही। तो इस वजह से, दूसरे एक और बात भी, अगर आपके बात महसूस करें किसी के बारे में जिसके साथ आप काम कर रही हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये एक बड़ा मसला है और शायद ये इस मामले से हल हो सकता है, तो आप करेंगी अगर वो आपको ले गए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो ट्राई करती है उस चीज़ को। बट जब वो एक लड़का लड़की का वो आ जाता, थोड़ा सा हम लड़कियों को इनअप्रोप्रिएट कुछ लाइंस क्रॉस कर दें, उनका कोई और फ़ायदा उठा लेना जाए इसमें, तो देखिए लड़कियाँ सबसे पहले ये बात महसूस कर लेती हैं, उनको पता चल जाता है, दो तीन लुक्स में ही पता चल जाता है कि यहाँ पर लाइन, लड़कियाँ वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर भी कर देती हैं। बिल्कुल रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करती लड़कियाँ, सबसे पहले रेड फ्लैग को रीड करती हैं, वो उसके बारे में शायद वक्त ले ले, दे चूज टू इग्नोर इट समटाइम्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एक लड़का है जिसकी बर्थडे उस दिन होती है जिस दिन उसकी माँ की बरसी होती है, और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इशू, द क्लोजेस्ट पर्सन इन हिज लाइफ वॉज द मदर, एंड दिस इज द डे वेन ही कुड बी हैप्पी, ही इज really really sad, और उसकी sadness को compensate करने के लिए या कम करने के लिए, if someone feels कि if I can go and give flowers and a cake to this person who's very sad today, what's wrong with this? इसके लिए कोई social police की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक अच्छा human होना और किसी दूसरे human की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर लेना, आई थिंक ये काफ़ी है। ठीक, सही। आई जस्ट वॉन्टेड ऑडियंसिस टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ऑन दिस, बिकॉज ये जब आया था तो उस पर बहुत कॉन्वर्सेशंस हो रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग जल्द हम देखेंगे साथ, आपको कुछ चल रहा है, कुछ गुफ्तगू हो रही है, बाहर हो रही थी वेलकम को, सोच रहा हूँ इतने दिनों से कि क्या ऐसी कहानी पे काम करें हम शुरू, लेकिन अहमद क्या अच्छा जुमला लिखते हैं, और लाइट हार्टेड बड़े कम लोग हैं जो लिखते हैं, खलील साहब भी लाइट हार्टेड बहुत अच्छा लिखते हैं, डॉक्टर यूनुस भट्ट इज अनदर, वासे एंड अहमद एंड फायजा, दीज आर द पीपल जो कमाल लाइट हार्टेड बहुत अच्छा लिखते भी बहुत अच्छा लिखते सो यू कीप राइटिंग अहमद, ओके नदीम, यस आई विल, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का, आप टाइम निकाला, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, सवालों के जवाब दिए, नहीं मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो आई कैन गो ऑन फॉर अनदर आवर, बिकॉज यही होता है ना, आप लोग बताए थे हाँ मैंने इस तरह नहीं सोचा, हाँ ये भी हो सकता है, आप एक पॉइंट से सोच रहे होते हैं ना, एंड हम भी परफेक्ट नहीं है, तो वो कभी कभी कोई पॉइंट मिस हो जाता है, सो व्हेन आई हियर इट फ्रॉम यू गाइज तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं सोचती हूँ हाँ इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं, एंड आई होप ऑडियंसेस के आज आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल गए हों और कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी आपको सुनने को मिली, आई होप इसकी रेटिंग आ जाए और इस नोट पे हम खुदा हाफिज़ कहेंगे।